Hello students, in this video we are going to learn the next topic, multiplication of fractions. Here some figures are given. Before that we read this line. Read how the multiplication 3 upon 5 multiplied by 1 upon 2 is done with the help of a rectangular strip. Okay, so first we are going to learn the multiplication with the help of diagram. Then we will learn the rule and then we solve the examples. Okay. So what to do first? Draw vertical lines to divide the rectangular strip into 5 equal parts. One rectangular strip is taken. Okay. What is the first fraction? Total how many, what is the denominator in that? 5. So to make total 5 parts of the strip. Right, the same thing. Then number 2 point, share the part that shows the fraction 3 upon 5. Okay, so 3 upon 5 ka meaning kya hai? Already this is explained in 5th standard. 3 upon 5 ka meaning kya hai? Kit out of total 5 parts, 3 parts are made dark. That is the meaning of 3 upon 5. Right, okay, so fraction 3 upon 5 is taken. This is fraction 3 upon 5. Then we have to show 1 upon 2 of 3 upon 5. Ye 3 upon 5 ka 1 upon 2. 1 upon 2 yani half part. Okay, multiplied by half na. So half part we have to show. So here a line is drawn from the center, dividing the strip into 2 equal parts. Why it is divided into 2 equal parts? Because we have to multiply it with half. Okay, aadhi karni na uski, isliye aadhi kar di. 1 upon 2 yani half. Right, so draw a horizontal line to divide the strip into 2 equal parts. Okay, aur ye two equal parts mein aur half divide karni hai to wo puri half puri color kar lo. Okay, yahan par jo aisi line jo draw ki hai. अब यहां पर ऐसी लाइन ड्रॉ करो. ओके, बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी दीज थ्री बॉक्सेस आर कलर्ड डिफरेंटली एंड दीज फाइव आर कलर्ड डिफरेंटली एंड दीज टू आर वैकेंट. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. एग्जैक्टली व्हाट इज इट? शेयर वन ऑफ द टू हॉरिजॉन्टल पार्ट्स इन अ डिफरेंट वे. ये व्हेन वी डिवाइडेड द स्ट्रिप इंटू टू इक्वल पार्ट्स, जब हमने ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, उसकी वजह से क्या हुआ? वी आल्सो डिवाइडेड 3 अपॉन 5 पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जब हमने स्ट्रिप डिवाइड की, यानी हमने क्या डिवाइड किया? ये जो 3 अपॉन 5 है उसको हमने 1 हाफ से मल्टीप्लाई किया है, यानी आधे में कर दिया है 3 अपॉन 5 को. टू टेक वन ऑफ दोज पार्ट्स, कंसिडर द पार्ट शेडेड ट्वाइस. ओके, तो इसका जो आंसर लेना है तो उसके लिए क्या कंसिडर करना है? ये जो दो बार जो पार्ट कलर हुआ है उसको कंसिडर करना है. ये कितने पार्ट है दो बार कलर हुए है? वो 3. राइट, सो वी हैव टेन इक्वल बॉक्सेस, आउट ऑफ दीज 3 बॉक्सेस हैव बीन शेडेड ट्वाइस. और हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल 10 पार्ट्स आर देयर. एंड आउट ऑफ दीज 10 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड ट्वाइस? 3. सो आवर आंसर इज 3 अपॉन 10. ओके, हाउ इट इज 3 अपॉन 10? नाउ वी विल सी इट. These boxes, that is the part shaded twice, can be written as the fraction 3 upon 10 as I explained here. So how the multiplication is done? 3 upon 5 multiplied by 1 upon 2 is equal to, now this I will explain little more, is equal to, to ye dono numerator ka multiplication hota hai, 3 multiplied by 1 upon 5 multiplied by 2. न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन. वी गेट आंसर 3 वन्स आर 3 एंड अपॉन 5 टूज आर 10. इन दिस वे वी गेट आंसर 3 अपॉन 10.
okay? It's a very simple topic, okay? बस ध्यान में कुछ नहीं रखना है कि बस एक ही रूल ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर. सो वी कैन कैरी आउट द अबोव मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस. 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3/10. ओके, सो नाउ आई नो. इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? व्हेन मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स इज रिटन इन द न्यूमरेटर एंड दैट ऑफ डिनोमिनेटर्स इन द डिनोमिनेटर. जब दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का आंसर, ओके, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिखना है एंड दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिखना है. वेरी सिंपल इट इज, राइट. लेट अस टेक एग्जांपल. हियर वन थर्ड एग्जांपल इज देयर. सुलोचना बाई ओन्स 42 एकर्स ऑफ फार्म लैंड. इफ शी प्लांटेड व्हीट ऑन 2/7 ऑफ द लैंड, on how many acres has she planted wheat? Okay, Sulochana bhai ke paas kitni zameen hai? 42 acres. Usme se usne wheat lagaya kitne part par? 2/7 part. To question pucha hai ki usne kitne acre par wheat lagaya. Okay, here how it is solved? We must find 2/7 of 42 acres. यानी हमें क्या करना है कि 42 acres का 2/7 part कितना होता है वो find out करना है. मतलब क्या है? 42 multiplied by 2/7. लेकिन हमें मालूम है कि 42 का denominator 1 है, तो 42/1 × 2/7. अब यहां पर numerator multiplied by numerator, denominator multiplied by डिनोमिनेटर, देन 42 × 2 एंड हियर 1 × 7. ओके, तो आंसर यू विल गेट हियर द व्हाट दे आर डन बाय फर्केशन ऑफ 42, 6 × 7. तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 42 × 2 = 84/7. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर लगता है तो 84/7, 84 को 7 से डिवाइड करो, यू विल गेट आंसर 12. 12/7 = 84. ओके, सो आवर आंसर इज सुलोचना बाई हैज प्लांटेड व्हीट ऑन हाउ मेनी एकर्स? 12 acres. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 12 इज देयर. ओके, दिस आई विल एक्सप्लेन इट इन द नोटबुक. सो प्रैक्टिस सेट 12, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई. फर्स्ट एग्जांपल इज 7/5 × 1/4. ओके, सो रूल इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मीन्स 7/1 / डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स 5/4. आंसर यू विल गेट 7 × 7/5 × 4 = 20. 7 प्राइम नंबर है, अब इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं निकाल सकते, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, नंबर 2. सेकंड एग्जांपल इज 6/7 × 2/5. राइट, इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 6 × 2/7 × 5 इज इक्वल टू 12/35. ओके, अब दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 से 3 नहीं, 4 नहीं. ओके, तो इसको नहीं डिवाइड कर सकते, तो दैट्स ऑल, दिस इज आवर फाइनल आंसर. देन एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 इज 5/9 × 4/9 इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5/4 = 20 / 9/9 = 81. अब दोनों इसका रिड्यूस, इस फ्रैक्शन का रिड्यूस फॉर्म निकाल सकते हैं क्या? नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. देन एग्जाम्पल नंबर 4. इट इज 4/11 × 2/7 इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 × 2 = 8/11 × 7 = 77. इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर.
Then come to example number 5. Example number 5 is 1 upon 5 multiplied by 7 upon 2 is equal to numerator multiplied by numerator, denominator multiplied by denominator is equal to 1, 7 is 7, 5, 2 is 10. इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल नंबर 6, 9 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 8, ओके, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, ओके. अब यहां पर ये न्यूमरेटर का 7, डिनोमिनेटर का 7 कैंसिल हो सकता है. न्यूमरेटर का 7, डिनोमिनेटर का 7 कैंसिल कर सकते हैं, ओके. अगर नहीं करना है आप लोगों तो ठीक है, 9 7 जा 63 अपॉन 7 8 जा 56. अब दोनों नंबर को 7 से डिवाइड होता है, ओके. क्या आंसर मिलेगा? 9 अपॉन 8, ये देखो ये 9 और ये 8, यही नंबर मिले. अगर यहां पर 7 7 कैंसिल नहीं करना है तो जो आंसर मिलेगा उसको दोनों को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस? वी आर फाइंडिंग रिड्यूस फॉर्म, ओके. तो रिड्यूस फॉर्म या तो ये मेथड से करो कैंसिल कैंसिल करके, नहीं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ले लो, दोनों को भी एक नंबर से डिवाइड करके उसका रिड्यूस फॉर्म निकालो, ओके. जिसको जो मेथड अच्छी लगे वो करो. देन कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 7, 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डेनोमेटर मल्टीप्लाइड बाय डेनोमेटर. नाउ आई विल सॉल्व इट विथ फर्स्ट मेथड. 6 6 कैंसिल, यानी 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, दोनों को 6 से डिवाइड किया है मैंने, ओके. आंसर क्या मिला? 5 वन जा 5 एंड 1 5 जा 5. ये 5 5 ही कैंसिल होता है. 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, ओके. देन कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 8, इट इज 6 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डेनोमेटर मल्टीप्लाइड बाय डेनोमेटर इज इक्वल टू 6 3 जा 18 अपॉन 17 2 जा 34, ओके. अब दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड होता है? देखो तो 2 से डिवाइड होता है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 17, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. दिस इज टोटल क्वेश्चन नंबर 1, ओके. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2 अपॉन 7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स. अशोक राव के पास कितनी जमीन है? टोटल 21 एकर्स. आउट ऑफ दिस 21 एकर्स उसने बनानास लगाए कितने पार्ट पर? 2 अपॉन 7 पार्ट. टोटल जमीन के 2 अपॉन 7 पार्ट पर. तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन. सो इट्स सॉल्यूशन नाउ, ओके. अशोक राव प्लांटेड bananas on 2 upon 7th part of 21 acres, right. तो उसका मतलब क्या है? हमें निकालना है कि 2 upon 7th part यानी टोटल कितना होता है. सो देयर फोर 2 upon 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 means 21 upon 1, राइट, इज इक्वल टू डू अ कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन. 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 वन जा 7. अब दोनों को किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या? होता है ना, 7 से होता है. नहीं तो 42 डिवाइडेड बाय 7 आंसर डायरेक्टली यू विल गेट 6, ओके.
That's all. So what is the answer? So answer is Ashokra planted 6 acres of his field of the field. Now let us move to question number 3. What is the question? Of the total number of soldiers, यानी जितने भी टोटल सोल्जर्स हैं देश में इन आवर आर्मी, 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर. उसमें से 4/9 पार्ट कहां पोस्ट किए हैं? नॉर्दर्न बॉर्डर पर. एंड 1/3 ऑफ देम, और ये 4/9 में से 1/3 यानी 1/3, ओके, 4/9 में से 1/3 कहां पोस्ट किए? ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द नॉर्थ इज 5,40,000, देन हाउ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट? टोटल कितने सोल्जर्स है? 5,40,000, ओके. उसमें से 4/9 नॉर्दर्न बॉर्डर पर, उसमें से 1/3 नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर, ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर कितने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन इन द एग्जांपल? 4/9 ऑफ सोल्जर्स आर पोस्टेड ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर. ये इंफॉर्मेशन दी है, ओके. देन फ्रॉम दैट 1/3 ऑफ देम आर पोस्टेड on the northern border, okay. So therefore 1/3, yani 1/3 of 4/9, yani iska matlab kya hai, is equal to 1/3 multiplied by 4/9 is equal to 1 × 4/3/9 is equal to 4/27. Okay. Then total soldiers on the northern border is equal to 5,40,000. 5,40,000. So therefore number of soldiers posted on north eastern border how much it is equal to 4/27 multiplied by 5,40,000, ओके. अगर ये डिवाइड करते हैं तो 27 × 1 = 27, 27 × 2 = 54, ओके. एंड ये बाकी 0 एज इट इज इक्वल टू 4 × 20,000 is equal to 80,000. Okay, so what is our answer? 80,000 soldiers are posted
on the northeastern border. Okay, here our practice set 12 gets over here. Okay, I will come with the next video with the next topic, that is reciprocals or multiplicative inverse and division of fraction. Okay, both topics will be covered in the one video only. Okay.